पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके में आज विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री को गोली मार देने की घटना से हड़कंप मच गया। गोली मारने का आरोप ब्राह्मण महासभा से जुड़े एक पदाधिकारी रजत शर्मा पर लगा है। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी अस्पताल में लगा हुआ है। दरअसल मामला 3 दिन पहले तब शुरू हुआ जब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के विरोध में डीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसका नेतृत्व रजत शर्मा के द्वारा किया गया था। सूत्रों के अनुसार उसी दिन सोशल मीडिया पर एक वॉर शुरू हुआ, जिसमें दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही थी और आखिरकार आज शाम थाना मझोला क्षेत्र स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा के सामने विश्व हिंदू परिषद के नगर सहमंत्री संतोष पंडित को गोली मार दी गई। गोली लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। साई अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घटना की स्थिति को देखते हुए घायल को ओटी में शिफ्ट किया गया। एसएसपी हेमराज मीणा के अनुसार उनके पेट में गोली लगी है, इलाज किया जा रहा है और आरोपी रजत शर्मा की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। मुझे इसके जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये बच जा बस, मैं इतना ही। अच्छा, कुछ पता चला किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? झगड़ा क्या हुआ था, ये जो रजत नाम का व्यक्ति है, इसकी से फोन पे बात हो रही थी। ये तो लड़का बहुत बढ़िया लड़का है, वो कह रहा था कि मैं ये पुतला फूकूंगा मोहन भागवत जी का, पता नहीं किस किस का, मुझे एक्चुअल पूरी उसकी जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, पुलिस बताएगी, लेकिन मुझे वो सब पुलिस बताएगी। मुझे केवल इतना पता है रजत नाम के लड़के ने इसकी गोली मारी। क्या विरोध करने, मोहन भागवत जी का विरोध, मुझे सही नहीं पता, मैं इसलिए कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अब पुलिस पता लगाएगी, जाँच की बात है। लेकिन उसे गोली लगी है ये बात सत्य है, रजत ने मारी ये बात सत्य है। क्या है वो रजत शर्मा, कुछ जानकारी में है? मैं उसको इतना जानता हूँ, रजत शर्मा नाम का व्यक्ति लड़का है, और पता नहीं वो कौन सी बात पे, मैं कह रहा हूँ अभी मैं विश्व हिंदू परिषद का मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, अब मुझे कौन इनमें से मेरा दुश्मन खड़ा हो मेरे गोली मार दे कि मैं हिंदूवादी बात करता हूँ। ऐसे ही वो भी है मेरे लिए, मेरा कोई उससे संबंध नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं। देखिए, अभी शाम में थाना मझोला में अभी करीब आधा घंटा पहले एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी है। इसी पे अब मेरे द्वारा अस्पताल में आके और जो मजरूब है, जो घायल है, उनसे बात की गई है और ये जानकारी मिली है कि संतोष पंडित नाम के ये व्यक्ति हैं, इनको रजत शर्मा नाम के व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अभी घायल से मेरी बात हुई है और उनकी हालत स्थिर है, गोली उनके पेट में है और अभी एक्सरे और एमआरआई वगैरह करा दिया गया है और उस समय डॉक्टर ने बताया कि अभी उनके सभी वाइटल ऑर्गन है वो सुरक्षित है, उनका इलाज किया जा रहा है और जो दोषी है, जो आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और इसमें सीओ सिविल लाइन एसपी सिटी साहब और थाना प्रभारी मझोला, थाना प्रभारी नागपनी और थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में टीम लगा दी गई, हमारी एसओजी टीम भी इसमें काम कर रही है। शीघ्र ही जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की। आरोपी की पहचान हो चुकी है? आरोपी रजत शर्मा नाम के व्यक्ति हैं और ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, आपस में अच्छा इनके संबंध थे, लेकिन किसी बात पे इनमें आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई और उसी में ये घटना हुई है और इसमें जल्दी कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।